Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. मांग हमारी ये है कि 2 अप्रैल को जो भारत बंद का आह्वान हुआ, ये भारत बंद का आह्वान हमारे किसी दलित राजनीतिक पार्टी या दलित सामाजिक संगठन या दलित धार्मिक किसी संगठन द्वारा नहीं किया गया था। ये जनता सरकार के खिलाफ दिए हुए निर्णयों के आधार पर सड़क पर आई थी, लेकिन उसमें हमारे लोग निर्दोष लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की जा रही है। उस संदर्भ में हम जिलाधिकारी महोदय को इसके रोक लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आज मिले हैं, उनको प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें करीब जो अभी जानकारी आई है, करीब 200 से ऊपर दलित समाज के लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो मुकदमे पर अपराध पंजीकृत किए गए हैं और उसमें किसी में 2000 अज्ञात लोग हैं, किसी में 500 से 700 लोग हैं, किसी में 600 से 800 लोग हैं। इस तरीके से पूरे आगरा में करीब 12 से 15 हज़ार लोगों के खिलाफ अज्ञात अपराध पंजीकृत किए गए हैं। इसकी हमने रोक लगाने की मांग की है जिला, उसके लिए भी इस प्रार्थना पत्र में दिया है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय से हमने इस विषय में मांग की है कि आपके जो आज वर्तमान में खुलेआम माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ और सोशल मीडिया पर में परिणाम भुगतने की धमकी भी दी जा रही है, उस धमकी के लिए भी जिलाधिकारी महोदय से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और वो धमकियां आज भी दे रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ रहा है समाज में? मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के इशारे पर ये सब कार्रवाई चल रही है और हमारे लोग भय और डर से व्याप्त हैं इस समय बहुत ज़्यादा। भाई, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं और आगरा की सुलह नगरी में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो हमारे DM साहब से यह ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं कि जो 2 तारीख की घटना हुई, इसमें किसी का नेतृत्व तो नहीं था, जनभावना को ऐसे जो भी हुआ। तो हमारे DM साहब से अपनी बात कहने के लिए आए हैं कि आगरा में शांति बनी रहे, किसी प्रकार से जहां हमको प्रयोग में ला सकता वहां लाइएगा। हम हर बस्ती मोहल्ले में जाने को तैयार हैं, हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन आगरा में अमन चैन बना रहे। तो अब वो गिरफ्तारियों के मामले में भय का वातावरण बन गया है, ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी किसी के इशारे पर हो रही है, कुछ गिरफ्तारी निष्पक्ष नहीं हो रही हैं। तो हमारे DM साहब से हम विनती करने के लिए आए हैं कि उन पर रोक लगाई जाए और निष्पक्ष जांच करने के बाद में जो भी आप करें। तो ये सब ये आगरा की फिजा को गर्माने की बात है और गलत बात है। ये अच्छे किस्म के लोग नहीं हैं इस प्रकार वो कर रहे हैं। तब यहाँ जन्म यहाँ लिया, यहाँ रहते हैं, तो हमें तो आगरा को अच्छी दिशा देने के लिए काम करना चाहिए, शांति के लिए सहयोग करना चाहिए और उसी के लिए हम अपना प्रयास रखते हैं।